कितनी खुशी हो जाती है अध्यक्ष जी का चयन हो गया, पूरे देश के लिए छत्तीसगढ़ वालों के लिए गौरव का विषय है। इनके नेतृत्व में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और ऊंचाई से पहुंचेगा। कि आप उमर खालू जो देश के खिलाफ बोलता है उसके वो देशभक्त हो गया, ठीक है। हम जो उनके बोलेगा वो देशभक्त है, और जिन्होंने 200 साल पहले जान गंवाई थी बहुत सारे हमारे लोगों ने भीमापुर गोरे गांव के अंदर, उनको आज देशद्रोही बताया जा रहा है, उनको आज केस लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ FIR हो रही है। उमर खालू का देशद्रोही है कि नहीं? उमर खालू देशद्रोही है, वो देश खिलाफ नहीं, वो भारत के संविधान को मानता है, कैसे देशद्रोही है? भारत में संविधान लिखा है, भारत के टुकड़े होंगे, कैसे किसने किसी ने कहा उसका? आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही दावा कर रहे हो कि पूरे बिहार में विकास की बयार चल रही है, लेकिन उनकी बयार आके इस गांव में रुक जाती है। आज़ादी के 68 साल बाद भी इस गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। हम मौजूद हैं इसमें एकमा के इस स्कूल में, 1000 की संख्या इस गांव में और गांव में बिजली नहीं है। ये बताइए 1000 की आपकी गाँव में संख्या है लेकिन बिजली नहीं है, आप लोगों ने कभी इसके लिए बात नहीं की, आवाज़ नहीं उठाई? बहुत बार आवाज नेता आकर आपको आश्वासन दिए हैं कभी? दिए हैं, सब नेता दिए हैं। यहाँ से उनके सवाल जी आए नहीं तो कोई है कहाँ से? उनके पास कभी गए नहीं आप? नहीं गए। उनके पास ये नहीं गए और भी लोग हैं। अच्छा ये पेड़ पर बैठे हुए हैं, अच्छा ये बताइए यहाँ से सांसद सिग्रवाल भी हैं, BJP से हैं, उनके पास गए थे आप लोग कभी? जी उनके पास तो हमारे गाँव के लोग गए हैं, जैसे हम तो नहीं गए हैं लेकिन जो भी है। तो क्या बोले सिग्रवाल जी? बोले थे कि लग जाएगा। आप एक युवा है था लेकिन वो 35 मिनट की देरी से 7:05 में पहुंचते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब रेल मंत्री ही 30 से 35 मिनट की देरी से चल रहा हो तो जो उसकी जो ट्रेन है वो कितनी समय पे चल रही है। सिर्फ यूटर्न मारिए और गुंतूर जाइए। हैदराबाद इंडिया में है कि पाकिस्तान में? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किस आधार पे हमें रोका जा रहा है वो बताया जाए। SP साहब हैदराबाद इंडिया में है कि पाकिस्तान में? सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप हैं। बात करते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट करता हूँ मैं, बदतमीज नहीं SP साहब, बदतमीज नहीं। सब देखिए ओवैस, हम तो वही कर रहे हैं कि ओवैसी के सामने घुटने टेक दिया है पुलिस ने, साफ तौर से गुंडा करके पुलिस हम लोग पाकिस्तान के। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी हूं और फेसबुक लाइव में स्वागत को कैसे करूं मैं आपका, कि मेरे जैसे एक राष्ट्रवादी पत्रकार को जो आंदोलन कवर कर रहा था, हम लोग पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं, हम दो हमारे दो को, और पिछले 8 साल से मैं पत्रकारिता करता हूं, पार्लियामेंट कवर करता हूं, BJP कवर करता हूं, उसको तेलंगाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या एक पत्रकार को इतना भी नैतिक अधिकार नहीं है कि उसको जानने का कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है? देखिए आज Mr. Saurabh Tiwari for Best Election Coverage Reporter.